मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चलन में आप सभी का स्वागत है। आज भी मित्रों आपको एक बहुत ही पेटेंट यूनानी माजून के बारे में जानकारी देके आया हूँ, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे होते हैं मैंने देखा है जो नहीं मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो बना बनाया मिल जाए। अभी कुछ भाई ने मेरे पास फ़ोन भी किया, कहा भाई हम बना नहीं सकते, और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। ठीक, उनको प्रॉब्लम पेट की थी। तो ये जो मैं लेके आया हूँ ये एक माजून है, देखिए, जिसका नाम है जवारिस जालीनूस। इसका उपयोग मैंने भी किया था जब मुझे शुरू में इन दवाओं की जानकारी नहीं थी, बहुत पहले मैं परेशान था। तो एक हकीम बहुत ही जानी मानी हस्ती थी वो, तो जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने इसी दवा का प्रयोग मुझे करवाया था। इसके बहुत से फायदे हैं मैं बता दूं। जिन भाइयों का पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, ठीक, और खाना हजम नहीं होता है, गैस बनती है, खाना खाने के बाद भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सुबह पेट साफ तो हो जाता है लेकिन तब भी उनको ऐसा लगता है कि अभी जो है मेरा पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ। खाने के बाद कुछ भी हल्का सा खा लेते हैं या नहीं भी कुछ खाते हैं, कोई हल्की भी चीज़ खा लेते हैं तो उनको हजम नहीं होता, पेट भारी भारी सा होने लगता है, गैस खुलती नहीं है, अंदर ही अंदर गैस बनती रहती है। तो ये उस प्रॉब्लम में बहुत ही सटीक काम करती है। देख लीजिए, इसका नाम है जवारिस जालीनूस और इसकी कीमत 215 रुपये है। मैंने कहा भाई लोगों को जानकारी भी दे दूँ, और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत से लोगों को जो कफ बना करता है, देखा है कफ उनके सीने में जमा रहता है, बहुत से लोगों को कफ की वजह से भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है। आंतों में जब कफ बलगम जब चिपका रहता है तो मल उनका जो है पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। तो ये जो है आपके अमाशय को ताकत देता है, आंतों को ताकत देता है, और लीवर को मजबूत करता है, और गुर्दे को भी बहुत ताकतवर बनाता है। ठीक, और जिनके बार बार पथरी होती रहती है, किसी किसी के ज़्यादा कफ बार बार बनने की वजह से भी पथरी बन जाती है, और ज़्यादा जिसके बलगम ज़्यादातर देखा है जिसको बना रहता है सीने में जमा रहता है, तो अक्सर उनको ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनकी सांस अक्सर फूला करती है। तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगी, और ये मसाने को भी आपके ताकतवर बनाएगी। मसाना अगर कमज़ोर है, मसाने को भी ताकतवर बनाएगी, आपके शरीर में ताकत को भरपूर मात्रा में ताकत बनने देगी। जो आप खाओगे उसका रस बनेगा आपके शरीर में। तो जो भाई नहीं नुस्खा बना सकते हैं तो वो भाई इस माजून का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही समझ लीजिए यूनानी की टॉप सबसे नंबर वन दवा में ये दवा मानी जाती है। इसका उपयोग मैंने भी किया है। बहुत से लोग कफ की वजह से, मैंने देखा है, सेक्स प्रॉब्लम की दवा खाते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कफ अक्सर बनता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जितनी भी ताकत की दवाएं खाते रहते हैं तो उनको बलगम बनता रहता है। तो ये चीज़ बहुत से भाइयों को नहीं मालूम है। तो ये कफ बनने वाली दिक्कत कोई इसको मामूली मत समझे, हल्के में मतलब ये समझ लीजिए जितना भी आपके शरीर में खून बनने वाला होता है, तो खून ना बन के आपके शरीर में वो बलगम और कफ बनने लगता है। तो ऐसे पेशेंट को देखा गया है, वो कमज़ोर हमेशा रहते, सुस्त रहते हैं, उनकी सांस फूलती रहती है, उनका सर भारीपन रहता है, पेट भारीपन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, लैट्रिन करते समय जोर लगाना पड़ता है, और ये कफ ज़्यादा बनने की वजह से उनके मुंह में बदबू बनी रहती है। तो ये माजून उन सब बीमारियों में काम करेगा। ठीक, तो एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई ज़्यादा महंगी दवा नहीं है, 215 रुपये इसकी कीमत है, 150 ग्राम मिलता है, और इसको केवल एक बार यूज़ करना पड़ता है रात में सोते समय। ठीक, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये उम्र के हिसाब से भी दी जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दो टाइम, ज़्यादा उम्र अगर है, जैसे ज़्यादा मोटे हेल्थी लोग हैं तो उनको 5 ग्राम 10 ग्राम देखिए इसमें दिया है, लेकिन जो कम उम्र के जो हैं उनको आधा चम्मच भी, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। मैंने कहा जानकारी दे दूँ भाइयों को, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल खुद किया है इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। गैस कब्ज की जितनी भी प्रॉब्लम है, पेट की सारी बीमारियों के लिए ये ज़बरदस्त है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, ताकत की चीज़ खाते हैं, अगर नहीं पचेगा, रस नहीं बनेगा, तो फिर आपका पेट भी नहीं सही से साफ होगा, ये आपके पेट को अच्छी तरीके से साफ करेगी। तो एक बार भाई लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, और गुजारिश है कि वीडियो भाइयों लाइक भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।